राजा वाला जंगल में बड़े पैमाने पर पेड़ों का पतन प्रकरण में हाई कोर्ट ने प्रमुख वन संरक्षण को दिए जांच के आदेश। बाढ़ वाला के राजा वाला जंगल में बड़े पैमाने पर पेड़ों का अवैध पतन किए जाने पर याचिकाकर्ता राकेश तोमर ने मामले में हाई कोर्ट में याचिका दायर की। याचिका की सुनवाई पर हाई कोर्ट ने प्रमुख वन संरक्षण विनोद कुमार को मौके पर जांच करने के निर्देश दिए। शनिवार को प्रमुख वन संरक्षण और एसडीएम विनोद कुमार ने राजा वाला जंगल का मुआयना किया। उन्होंने जांच में माना कि यहां पर बड़े पैमाने पर पेड़ों का पतन किया गया। जांच टीम ने पेड़ों के पातन पर हैरानी जताते हुए कहा कि पेड़ों का पातन निजी भूमि पर हुआ है, इसमें फॉरेस्ट लैंड नहीं है। अगर भूमि स्वामी द्वारा अवैध पतन किया गया है तो उसकी जांच चल रही है और मामला माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। इस भूमि को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यहां पर हजारों की संख्या में पेड़ रहे होंगे, लेकिन वर्तमान में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। इसमें जो भी तथ्य निकल कर सामने आएंगे और संबंधित अधिकारियों वन विभाग के हो या राजस्व विभाग के हो, उन पर उचित कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। एक माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश पे, जिसमें उन्होंने निर्देशित किया था कि पीसीसी उत्तराखंड जाके इस पूरे प्रकरण की जांच करेंगे और एफिडेविट के माध्यम से माननीय न्यायालय को अवगत कराएंगे कि प्रकरण क्या है। मुख्यतः ये जो भूमि है जहाँ से पेड़ कटने का मामला है, उसका मैंने निरीक्षण किया है। रिवेन्यू विभाग के भी अधिकारी हैं, वन विभाग के भी अधिकारी हैं, और ये पाया है कि ये जहाँ तक भूमि की ऑनरशिप का प्रश्न है, उसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है। हाँ, बट जो अभी जितनी भी देखने से, एरिया का अवलोकन करने से, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यहाँ पे भी पहले इसी तरह का वन रहा होगा, जिसको अभी पिछले कुछ गत वर्षों में समतलीकरण करके और पेड़ों का काटा गया है। और अगर हम इसको पिछले सालों की गूगल अर्थ से, उनकी मेजरी से भी कंपेयर करते हैं, तो ये स्पष्ट हो रहा है कि पहले पूर्व में यहाँ भी जंगल विद्यमान था। सर, क्या इतने भारी मात्रा में पेड़ काटने के लिए कोई परमिशन का कोई प्रावधान है? सर, ऐसा है, देखिए, माननीय उच्चतम न्यायालय ने गोडा बर्मन में और उसके बाद ये बहुत स्पष्ट रूप से डिफाइन किया है कि इरिस्पेक्टिव ऑफ ऑनरशिप, चाहे मालिकाना हक किसी का भी हो, अगर कोई भी क्षेत्र वन के स्वरूप में है तो उस पर फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, जो वन संरक्षण अधिनियम है, उसके सभी प्राविधान लागू होंगे। और जहाँ तक पेड़ काटने की परमिशन की बात है, यूपी के समय से, जो कि अभी उत्तराखंड में भी लागू है, प्राइवेट ट्री प्रोटेक्शन एक्ट 1976 जो यूपी के समय का है, उस पर प्राविधान है कि किसी को भी अगर कोई ऐसा पेड़ है जिससे जानमाल की हानि हो या कोई उसके विकास कार्य में घर बनाना है उसमें बाधक हो या कोई डैमेज टू प्रॉपर्टी हो, तो दून वैली में विशेष करके ये है कि जो फ्रूट बेरिंग ट्रीज है, जो बगीचे वगैरह है, उसमें उद्यान विभाग परमिशन देगा, और इसके अलावा जो फॉरेस्ट की स्पीसीज है उसमें वन विभाग परमिशन। सर, लगभग कितने पेड़ कटेंगे प्रथम दृष्टया जांच में, किसे दोषी मानते हैं? देखिए, ये प्रथमतया मैं एग्जैक्ट नंबर तो नहीं बता पाऊंगा, बट काफ़ी संख्या में पेड़ यहाँ पे विद्यमान रहे होंगे जो आज की तारीख में नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि सैकड़ों पेड़ कटे हैं यहाँ पे। और जहाँ तक दोषी मानने की बात है, उसी के लिए जाँच हो रही है, इसमें चाहे रिवेन्यू विभाग हो, चाहे वन विभाग हो, चाहे कोई भी हो, उसी की जांच हो रही है, और जो भी दोषी होगा उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।